छत्तीसगढ़ रे मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना हात धराधरी हो एका सांगरे अरपारी को चलीगले गोटे पर दस जन सदस्य सामयिक है शवदाह एभली एक हृदय विदारक दृश्य देखा मिली छत्तीसगढ़ अंतर्गत धमतरी जिलार सोराम ग्राम से गत तीन तारीख राति रायपुर ठू मात्र 80 किलोमीटर दूर बालोठे होता जंत्रणादायक सड़क दुर्घटना एक दुर्घटन सोराम ग्राम गोटे पर दस जन सदस्य और जड़े ग्रामवासी समेत मोट 11 जन मृत्यु घटा तेरे गत समस्त मृतदेह को सोराम ग्राम को अणाइला समग्र ग्राम से शोकाकूल परेश रही बेले 11 जन शव को नहीं आंबुलांस गांव में पहुंचा पर समग्र ग्रामवासी शेष में भिड़ जमीला यहपर गोटे स्थान में पर दस जन सदस्यों शवगुड़ अंतिम संस्कार कर शव सत्कार समय दृश्य समग्र ग्राम से शोकाकूल परेश सृष्टि कर प्रकाश थाउ कि गत तीन तारीख राति में सोराम ग्राम गोटे पर दस जन सदस्यों सहित नहीं एक बड़ विवाह उत्सव में जोगदेक जाए बालोद निकट में लुहाछड़ बजे ट्रक सहित धक्का होता दुर्घटना एत मात्र भयंकर था गाड़ी समस्त जात्री दुखद मृत्यु घटा एक गोटे दुर्घटन में दस जन सदस्यों मृत्यु समग्र पर छिन्न छत्र कर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मृतकों पर लोक को मुंडपीछ 4 लाख टंका अनुकंप राशि घोषणा कर रायगढ़ दिनेश गंडा की रिपोर्ट जब तरह हमारे बालोद विधानसभा के क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ है और हमारे धमतरी विधानसभा के क्षेत्र के गांव का हमारे यहाँ के मृत्यु हुई है और मैं सबसे पहले संवेदना प्रकट करती हूँ और ऐसे दुखद घटना में हमारे पास शब्द ही नहीं है क्योंकि एक साथ 11 लोगों को जाना और एक ही परिवार के लोगों का जाना बहुत ही दुखद है। भगवान उनके परिवार को इस दुख के क्षण में सहने की शक्ति दे और साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने प्रति व्यक्ति मृतक मृतक को 4-4 लाख देने की घोषणा की है। देखिए दिल दहला देने वाली ये बहुत बड़ी घटना है। ग्रामीण क्षेत्र सोरम है, ये धमतरी विधानसभा में है। साहू परिवार के 10 लोग उनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है और एक आदिवासी परिवार से एक भाई था उसकी भी मृत्यु हुई है। तो ये पूरे क्षेत्र में बहुत शोक और दुख का ये माहौल बना हुआ है। परिवार के मुखिया जो परिवार का पालन पोषण करते थे ऐसे 4 लोगों की मृत्यु हुई है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार को राजनीति न करते हुए 4 लाख कोई मायने नहीं रखता, इनको और अधिक राशि देकर परिवार को एक सहयोग प्रदान करना चाहिए। ऐसे विषयों में सरकार को राजनीति नहीं करनी।